गुड मॉर्निंग भाई लोग, आज डे टू है लॉस एंजलिस में और भाई आपका ऑलमोस्ट रेडी हो गया है सुबह उठ के। आज मेरी जो है वो ह्यूस्टन की फ्लाइट भी है टेक्सास। आज मैं जा रहा हूँ मतलब अपने 3 दिन या 3 रातें और 4 दिन लॉस एंजलिस में मुकम्मल करके, और यहाँ से मेरा चेकआउट जो है होटल से तकरीबन कोई 11 बजे का है। तो 11 बजे मैं यहाँ से चेकआउट करूँगा। पैकिंग वैकिंग मैंने कर ली है अपनी, चल रही है अभी चीज़ें मीज़ें सारी की सारी, क्योंकि मुझे एक ही बैग में फ़िलअप करना है और मंड की शॉपिंग करनी है मुझे जाके टेक्सास से। बस अभी टॉवल शावल बिखरे हुए हैं सारे के सारे, सामान सामान जो है वो मैंने देख लिया अपना, उठा लिया है। बाकी एक दफ़ा चेक मारना है निकलने से पहले कि कुछ, हाँ ये पड़ा हुआ है ना अपना फेस वॉश पड़ा हुआ है, ये उठा के थोड़ा रखना है साइडों पे, और बाथरूम के अंदर की चीज़ें देखनी है कि कुछ रह तो नहीं गया भाई। ओ नहीं, ये तो होटल का ही है अपना, कुछ नहीं है। सही है भाई जान, और इसके अंदर तो अपना वैसे भी कुछ नहीं था। ओके, प्रोटेक्ट होटल वर्कर्स फ्रॉम थ्रेटनिंग बिहेवियर, एम्प्लॉय कैरी पैनिक बटन, सिटी लॉस एंजलिस म्यूनसिपल कोड। ओ माय गॉड, अच्छा भाई वेरी गुड। सो भाई ये सीन है, यहाँ पे बड़े लॉ हैं भाई, बड़े रूल्स हैं, रेगुलेशन है, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते भाई। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फिर रेसिज्म भी है थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल इट्स फंटास्टिक है, फाइन है भाई जान। भाई ने भाई टावल टावल किए हैं हर जगह पे, बस मैंने कहा बस फैला दो चला दो, अभी थोड़ा इनको मैं इकट्ठा करूँगा। व्यू ज़रा चेक करते हैं लास्ट टाइम अपनी होटल से, व्यू शू चेक कर लिया। अच्छा यार ये देखो, ये बड़ा फंटास्टिक सा लग रहा है मुझे, नेक्स्ट टाइम मैं आया तो फिर यहाँ पर रहूँगा। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये कोई इनके बाहर कोई लॉबी शॉबी का भी एरिया है। मेरे बाहर भी है लॉबी का एरिया, लेकिन मैं इसको मैंने खोला था, लेकिन ये मैं अब सोच नहीं रहा कि इसको खोल के उधर जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर इसके ऊपर सीढ़ी है और सीढ़ी के ऊपर पूल छूर है। सो निकलते हैं ज़रा चेक मारते हैं, थोड़ा देखते हैं हाल अहवाल करते हैं, क्या सीन है, बाहर के नज़ारे लेते हैं। मैं ज़रा पैकिंग शेकिंग अपनी निपटा लूँ पूरा, और उसके बाद फिर मैं लेके चलता हूँ आपको ज़रा ऊपर की तरफ। वैसे तो डोर भी है यहाँ से, ये जी आ गई हमारी एलिवेटर, और इसको हम कर देंगे रूफ। अच्छा रूफ करने के लिए हमको इसको लाना पड़ेगा कार, देन रूफ, यस डन। अब रूफ व्यू चेक मारते हैं अंदर, उसके बाद फिर आ जाएंगे रूफ। ये रूफ है इसकी, ओह माय गॉड, जस्ट चेक आउट गाइस, इन 13102। सो यू आर अमंग द लकीस्ट वन हु इज वॉचिंग इट एवरी डे, राइट? सो माय एंट्री हमने ले लिए पूल पे, ये पूल पे सेटिंग वेटिंग एरिया है पूरा का पूरा, और ये है जी इसकी हाईलाइन। तो भाई मज़ा तो है, मज़ा तो मतलब फंटास्टिक है, और वेदर भी आज ऑसम है, मतलब आज कोई धूप छूप नहीं है यहाँ पे, और बहुत फाइन एटमॉस्फेयर है, और इस फाइन एटमॉस्फेयर में जो है ना वो ये हाईलाइन, ये पूल, ये सारी चीज़ें जो है चार चांद लगा रही हैं इसके अंदर, मतलब जस्ट चेक आउट गाइस यार, कितना फंटास्टिक है यहाँ पे, फन है, चिल है, इन्जॉयमेंट है। इसके बाद यार भी अगर आपको इन्जॉय करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ से बस मैं चेकआउट मारता हूँ, थोड़ी देर बैठ के चिल करता हूँ, उसके बाद फिर मुझे निकलना है फ्लाइट के लिए। फ्लाइट के लिए तो नहीं, अभी तो है 4-5 घंटे, अभी खाना खाना खाएंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे, फन करेंगे, उसके बाद निकलेंगे ह्यूस्टन के लिए। सो मैं चेकआउट कर लिया मैंने इस ब्यूटीफुल प्लेस से, लास्ट मेमोरी है मेरी, चेकआउट डन, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, यस आउटसाइड। ये जी डंकिन है, लेट्स गो हैव समथिंग फ्रॉम डंकिन माइक। कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है क्या भाई जान, डंडे वंडे तो उठाए हैं, देखते हैं क्या सीन है। सो भाई बड़ा फंटास्टिक और यादगार मोमेंट रहा मेरा यहाँ लॉस एंजलिस में, और अभी बस मैं थोड़ा बहुत और घूमूंगा और थोड़ा सा चिल करूंगा, इन्जॉय करूंगा, फन करूंगा, और उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा हॉस्टल की तरफ। बट इट वॉज रियली अमेजिंग स्टे हियर इन लॉस एंजलिस। तो लाइन लगी है लंकिन जी, थैंक यू ब्रो। सो लंकिन हैज बीन ऑर्डर, बना रहे हैं अभी। सो लाटर ले लिए, नैपकिन ले लिए, लेट्स गो।
अच्छा भाई कॉफी वगैरह पी के अब आपका भाई जा रहा है खाने की तलाश में। ये पार्किंग है इन लोगों की, अगर आपने पार्किंग वगैरह कहीं करनी होती है बीच में तो इस तरह से 24 आवर्स पब्लिक पार्किंग है, यहाँ पार्क करके आप अपनी गाड़ी जा सकते हैं। दे चार्ज सम अमाउंट और सेम वैसे जैसे अपने पास होता है कल्चर। और ये ग्रैंड स्ट्रीट का इलाका है और अब मैं जाऊँगा फ्रेशिंग से। अच्छा भाई आपका होल फूड मार्केट में है, होल फूड मार्केट जो है चेक मारेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ें लेंगे खाने पीने वगैरह के लिए और उसके बाद फिर निकलेंगे। क्या सीन बनता है लेकिन है ये बड़ी फंटास्टिक सी अच्छी सी होटल, बैरिस वगैरह ऑर्गेनिक एवरीथिंग हर चीज़ है यहाँ पर। सो यहाँ से मैं कुछ शॉपिंग करता हूँ फिर निकलता हूँ, सब कुछ खाने का यहाँ पर ओनली फॉर फूड। सो ऑर्गेनिक जूसेस वगैरह हैं $7.99, $6.99, $10.99 इस तरह से हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। अच्छा जी ये यहाँ पे सी फूड की प्राइसेस भी आपके सामने इस वक्त, जैसे ये श्रिम्स हैं $19 पर पाउंड है, ये पर पाउंड एक किलो पूरा नहीं है, पाउंड का इतना पैसा है, ये सारा पाउंड के रेट से है क्योंकि यहाँ पे पाउंड चलता है सारा का सारा। और अगर हम और ये मुझे एक नई सी चीज़ यहाँ पर मिली है, इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है बुधा हैंड, ओ बुधा हैंड है ये, और $5.99। और ये ड्रैगन फ्रूट की भी एक और किस्म मुझे मिली, येलो ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर होते हैं, रेड तो हमारे पास भी है। चलें ये एप्पल भी डाल दें हमने, ज़रा वेट मशीन में डाल दें इसको। कोच वोच भी यहाँ पर सही है, ऑर्गेनिक बोनलेस वगैरह सही है सारा। शराब का काउंटर है, सब कुछ मिलने वाले भाई बड़ी तादाद में। अच्छा ये सैलड्स के और ये जितने भी इनके ये बने हुए ना काउंटर्स, ये $11.99 की है पर पाउंड, तो आप जितना भी लेना चाहें उस हिसाब से अपनी फिलिंग कर सकते हैं बना सकते हैं, सो इट्स ऑल्सो गुड ऑप्शन। सो ये आ जाता फिर इनका मीठा यहाँ पर। भाई जान रेन वाटर भी यहाँ पे बिकता है, रेन वाला पानी चेक करो ज़रा $1.49 में, ये तो है भाई। सो भाई हमारी ये चीज़ें हमने ले ली हैं, फ्रूट्स वगैरह पिज़्ज़ास वगैरह, अब हम इसको बैठ के नोश फरमाते हैं। सो शॉपिंग और मार्केट से फारिग होते होते मुझे तकरीबन बच गए 2, अब मेरे 4 बजे मुझे पहुंचना एयरपोर्ट पे, 2 घंटे बचे, अब 2 घंटे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, 2 घंटे नियरेस्ट लोकेशन भी कोई ऐसा नहीं है मेरे पास कि जहाँ पर मैं जाऊँ और वापस आ जाऊँ। और फ्लाइट आपका भाई मिस करना नहीं चाहता क्योंकि फ़्लाइट अगर मिस हुई तो फिर पूरा प्लान मेरा आगे का जो है ना वो आगे पीछे हो जाएगा। चलो कुछ टाइम बचा है तो थोड़े सिनेमैटिक ही बना लेते हैं खड़े हुए लॉस एंजलिस की स्ट्रीट्स पर। फंटास्टिक सी जर्नी लॉस एंजलिस की ख़त्म करके आपका भाई इस वक्त पर्शिंग स्क्वायर पे खड़ा हुआ है और अब मैं जा रहा हूँ यूनियन स्टेशन की तरफ, वहाँ से मैंने बस लेनी है और उसके बाद डायरेक्ट एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होम। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे नहीं ज़्यादा दुआओं में याद रखें। मुलाकात होती है आपसे हॉस्टल में इंशाल्लाह।